हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज हम करने वाले हैं हमारी वीडियो सीरीज, जो स्टैटिक्स की वीडियो सीरीज है उसकी फर्स्ट वीडियो। और देखो, टर्म टू में स्टैटिक्स 8 नंबर का चैप्टर है, 8 मार्क्स मायने रखते हैं, 8 मार्क्स, ठीक है ना, 8 मार्क्स कोई कम नहीं है। और इसके जो फॉर्मूलेज है उनको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे, विद ट्रिक करेंगे, और जो क्वेश्चंस है बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे उनको। तो आज स्टार्ट करते हैं, आज हम करेंगे मोड और मीडियन। और मोड और मीडियन स्टैंडर्ड और बेसिक वालों, 8 नंबर का चैप्टर आ रहा है, तो मोड और मीडियन से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। बेसिक वालों तो ये दोनों टाइप आ सकते हैं, नहीं तो मोड एक टाइप तो पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी। तो इस वीडियो, ये वीडियो आपको नंबर देने वाली है, ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं भी ध्यान से समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारे बेसिक में भी है, बेसिक सैंपल पेपर में ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं और इसको ही सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें बोला हुआ है कि इंटर हाउस क्रिकेट मैच लगा हुआ है, उसमें रन स्कोर किए गए हैं, ठीक है, किस किसने किए हुए हैं भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसने 0 से 20 के बीच में, 4 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने स्कोर किए हैं, 6 ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 40 किए हैं, इस तरह से है। बात किसकी हो रही है, रन स्कोर्ड की बात हो रही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो 4 ऐसे भी हैं जिन्होंने 80 to 100 भी किए हैं, ठीक है ना, तो इसको ही सोल्व करते हैं। अब इसमें मीडियन फाइंड करना है, बट मैं सबसे पहले आपको मोड निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद मीडियन पे चलेंगे। तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, तो इसी क्वेश्चन की मैंने टेबल बनाई हुई है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को करते हैं। देखो, अब मान लिया ये आपके पास क्लास इंटरवल है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको मोड निकालना है, तो मोड का निकालने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी में आपको सबसे पहले देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली। तो इस वाली को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं F1 लिख दूंगा, बड़े आराम से प्यार से करेंगे, समझ आ गया। इससे जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है उसको मैं लिखूंगा F0, और जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है F2। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसको F1 दे दो, बस ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, इतना समझ आया। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने ली है, उसके जो सामने वाली क्लास होती है, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसके सामने वाली क्लास, इस क्लास को क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास हो जाएगी, इसे बोलेंगे मॉडल क्लास, ठीक है, इसको मॉडल क्लास बोलेंगे, इतना समझ आया, ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो मॉडल क्लास ली है, ये क्या होती है, उसकी लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये L हो गया लोअर लिमिट। जो हमारा इंटरवल होता है उसमें दो लिमिट होती है, एक लोअर एक अपर, तो लोअर कौन सी होगी, 20 होगी, और अपर कौन सी होगी, ये 40 होगी। यहां तक समझ आया। अब जो हमारा इंटरवल होता है, जैसे मान लिया ये इंटरवल है, इसके बीच में जो गैप होगा, इसके बीच में जो गैप होगा, जैसे 20 और 40 के बीच में 20 का गैप है, मानते हो, इस गैप को क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ठीक है, और गैप भी बोलते हैं। जैसे जैसे सूरज का पर्यायवाची सूर्य है, ठीक है, और सूरज, पानी का नीर, है ना, क्लियर। तो ऐसे इस तरह से गैप, हाइट, विड्थ, इस चीज को बोलते हैं, इतना समझ आया, यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इसको रब करना है। अब क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये दो फॉर्म, एक फॉर्मूला तो ये होता है मोड का, ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है मोड का, दोनों तरीके से करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय F1 माइनस F0
प्लस एफ वन माइनस एफ टू इंटू में एच। ये दो फॉर्मूले होते हैं मोड के, और इनको देख के घबराना नहीं है, दोनों को याद करने का तरीका दूंगा। दोनों को याद कैसे करते हैं, दोनों को याद करने का तरीका दूंगा, समझ आया? देखो ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है। अब हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, सिर्फ पुट करना है, कोई मर्जी फॉर्मूला ले लो। अगर मान लो F1, F2, ये सारी हमने तीनों चीजें निकाल ली, जो मॉडल क्लास हमने ली, हमने मॉडल क्लास ली है, उसकी हम लोअर लिमिट लेंगे। तो अगर हम बात करें जो हमारी मॉडल क्लास है, H कितना आएगा, H हमारे पास जो इंटरवल है उनका गैप 20 है। तो अगर मैं बात करूं H 20 है और जो मेरी मॉडल क्लास है 2040 मॉडल क्लास है, यहां से मुझे L मिला, एल बी कितना मिल गया, एल बी 20 है, ये दोनों 2020 है, 2020 मैच चल रहा है। ये देखो सारी चीजें मिल गई, ये चीजें मिलनी है, इसके बाद तो पुट करना, आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? अब नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगले नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूं। देखो अब फॉर्मूले को लर्न कैसे करना है, लर्न ऐसे करेंगे, देखो देखो हमें एल मिल गया 20, हमें एच भी मिल गया 20, ठीक है? ये एच तो किसी भी इंटरवल से मिल सकता है, एल हमें मॉडल क्लास से मिलेगा, ठीक है? वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो फॉर्मूले को याद करने के दो तरीके हैं। पहला 10 ऊपर लिखा, 10 नीचे लिख दिया, यहां पर भी 2 लगा दिया और यहां पर भी 2 लगा दिया। इसकी ट्रिक मैंने दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है, 10 का मतलब है एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाय, इसको अच्छे से लिख लेते हैं भाई, एफ वन माइनस एफ जीरो, क्लियर? और 2 2 1 इनको इकट्ठे लेना है, 2 F1 माइनस ये जीरो को F0 माइनस F2, बस इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, L प्लस में लगा दो और H मल्टीप्लाई। ये पहला फॉर्मूला याद हो गया, ये था पहला फॉर्मूला, ठीक है? दूसरा याद करने का तरीका, ऊपर 10 लिख दो, नीचे 10 प्लस 12, 10 अपॉन में 10 प्लस 12, तो 10 यानी F1 माइनस F0 और F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, यहां पर L लगा दो, यहां पर H लगा दो, क्लियर? अब देखो दो, इससे भी आप याद कर सकते हो, इससे भी, बीच वाली चीज में कंफ्यूज होते हैं, L और H तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे, तो चाहे आप ये यूज कर लो, चाहे आप ये, याद करने का तरीका मैंने बता दिया, 10 अपॉन 10 प्लस 12, या 10 ऊपर लगा दिया, 10 नीचे, 2 यहां पर, 2 यहां पर, या ये याद कर लो, कौन सा आपको ठीक लगता है? मुझे तो दोनों ठीक लगते हैं, मैं तो दोनों कर लेता हूं। चलो हम इस वाले से सॉल्व करते हैं, इसको मैं कर देता हूं रब, इसको रब कर देते हैं भाई। अब मैं इस वाले फॉर्मूले से मोड सॉल्व करता हूं, करूं सॉल्व, तो देखो L कितना मेरा 20 है, तो यहां पे ले लेते हैं, स्केच भी दूसरा ले लेता हूं, 20 प्लस ब्रैकेट बंद F1 माइनस F0, F1 कितना मेरा 6 है, मैं लिख लेता हूं ये, F1 6 है, F2 5 है और F0 4 है, यहां पे लिख लेते हैं, F1 कितना है मेरा 6 है और F2 मेरा 5 है और F0 कितना है मेरा 4 है, एक बार देख लेते हैं गलत ना हो, ये सब मैंने लिख लिया, क्लियर? आगे चलते हैं, बस अब पुट कर दो, 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना 6 और माइनस 4 अपॉन 2F1, 2 इंटू 6 माइनस F0, F0 4 माइनस F2 माइनस 5 इंटू में H, H कितना है मेरा 20, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 26 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2, यहां पर 20 प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस 4 2, 2 6 है 12, माइनस 4 और माइनस 5 माइनस के 9, 12 माइनस 9 ये हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना है 20, तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, 22 जा 40 और 20 प्लस, यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं, मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 40 बाय 3,
तो इसको अगर एलसीएम ले तो 320, 60 और 40 यानी 100 बाय 3, तो 100 बाय 3 कितना आया 30.33 यानी 30.3 बार, ये आ गया आपका मोड, ये देख सकते हैं आप। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जो मोड आएगा वो मॉडल क्लास के बीच में आना चाहिए। क्या बीच में आता है? ये हमारी मॉडल क्लास है, इसके बीच में आ रहा है। तो बस ये था आपका मोड। अब करते हैं मीडियन। अब फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स मीडियन फाइंड करते हैं। मोड हम कर चुके हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से फाइंड करते हैं मीडियन को। क्लियर? देखो क्वेश्चन तो बनेगा ही, ठीक है। अब यहां पर देखो ये लिखे हुए हैं इंटरवल और ये रन स्कोर फ्रीक्वेंसी, उसी क्वेश्चन पे हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन के लिए सबसे पहला जो काम करेंगे वो हम करेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हम सी एफ निकालेंगे सबसे पहला काम। तो सी एफ कैसे निकालते हैं? देखो ये 4 है, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15 और 15 प्लस 3 18 और 18 प्लस 4 22। क्लियर? तो सबसे पहला काम मीडियन निकालने में हमें सी एफ निकालनी है। निकाल ली सी एफ, उसके बाद क्या करेंगे दूसरा काम? उसके बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल देखो, उसका टोटल क्या है 22। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 22 है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं हम एन, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टोटल है जो फ्रीक्वेंसी का, उसको बोलते हैं कैपिटल एन। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? एन बाय टू फाइंड करेंगे। तो एन बाय टू 22 बाय 2 ये हो जाएगा 11। पहला काम था सी एफ निकाला, सी एफ मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, इज इट क्लियर। दूसरा काम हमने n बाय 2 निकाला, निकाल लिया। अब क्या करेंगे? n बाय 2 हमारा 11 आया। अब आप CF में जाओ कि 11 से जस्ट अबव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। 11 से जस्ट अबव, अगर 11 से जस्ट अबव देखें तो ये वाली फ्रीक्वेंसी है, मानते हो? क्लियर? तो इसके सामने वाली जो क्लास आएगी, ये जो सामने वाली क्लास आई, ये क्लास आ गई हमारी मीडियन क्लास। बस काम हो गया, ये मीडियन क्लास है। बस अब सारा काम हो गया आपका। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, ठीक है, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इनटू में एच, ये फॉर्मूला। क्लियर? ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला। अब ये सारी चीजें है क्या? देखो एल कौन सी लेनी है? जो मीडियन क्लास है, जो हमने मीडियन क्लास ली है, जो उसकी लोअर लिमिट है वो हमने एल लेनी है। वैसे जो इंटरवल होता है मैंने आपको बता ही दिया। तो एल कौन सी लेनी है? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। एच कितना है? जो मैं पीछे मोड में बता चुका हूं, एच कितना है? जो गैप है बीच में, एच आ गया एन बाय टू 11 आ गया। भाई ये सी एफ और एफ क्या है, ये क्या चीज है? अब ये कौन सी लेनी है आपको? जो हमने मीडियन क्लास निकाल ली थी उसकी जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी है वो तो एफ लेनी है यहां पर। और सीएफ कौन सी लेनी है? जो मीडियन क्लास की सीएफ है वो नहीं लेंगे, उससे ऊपर वाली कौन सी लेंगे? सीएफ लेंगे। क्लियर? मैंने स्टार्टिंग से एक बार बता देता हूं, पहले हमने सीएफ निकाली, फिर एन बाय टू निकाली। एन बाय टू से हम गए कि जस्ट अबव कौन सी है, उसके सामने वाली क्लास मीडियन क्लास होगी, वहां से हमें एल मिल गया और एच मिल गया, एन बाय टू है ही है। अब सी एफ और एफ का खेल है, ये कौन सी लेनी है? एफ तो वो लेनी है जो मीडियन क्लास के सामने वाली है, और सी एफ कौन सी लेनी है? जो मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली सी एफ है वो फॉर्मूले में पुट करनी है। बस अब क्या करना है? अब तो वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, तो निकाल देते हैं। तो देखो ये आपने लिख लिया होगा, मैं ये रब कर देता हूं और यहां पर करते हैं सॉल्व। तो L कितना है मेरा? मीडियम क्लास थी मेरी 40 और 60, तो इसका L कितना हुआ 40 प्लस N बाय 2 मेरा कितना आया 11 माइनस CF कितनी है 10 है डिवाइड बाय F कितना है F5 है इनटू में H कितना है भाई? H कितना दिया हुआ है? देखो ये गैप है, जो ये गैप कितना है 40 और 60 का, ये 20 का गैप है। बस अब सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, इसको रब कर देता हूं। सभी फॉर्मूले की ट्रिक बना दी गई है वीडियो में,
कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये देखो 40 हुआ प्लस 11 माइनस 10 क्या हो गया 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 20। अब सोल्व कैसे करना है, 5 4 जा 20 40 1 4 जा कितना हो गया है 4 हो गया, तो 40 प्लस 4 44 इज योर फाइनल मीडियन। अब जो मीडियन आएगी वो मीडियन क्लास में लाई करनी चाहिए तब आंसर ठीक है। तो मीडियन क्लास हमारी ये है तो इसमें मीडियन लाई करती है ना। तो ये था आपका मीडियन निकालने का क्वेश्चन। तो फर्स्ट वीडियो आपकी वीडियो सीरीज की कंप्लीट हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।